लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि 8 लोकसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। वहीं प्रत्येक बूथ के लिए मतदाता दलों को रवाना किया जा रहा है। वहीं चुनाव के 3 चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं। इस चरण में कुल 74 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 59 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 14 और खरगोन में 5 उम्मीदवार हैं। वहीं मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहे। जैसा आप जानते हैं कि आखिरी चरण का चुनाव कल है 13 तारीख। इसके पहले 3 फेजेस के इलेक्शन हो गए हैं। कल 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान है, जिसमें कुल 16 जिले शामिल हैं, 16। ये 8 क्षेत्र हैं हमारे देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा। तो इन 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए कल मतदान होगा। जैसा हमने बताया, इसमें 16 जिले शामिल हैं। इन 8 संसदीय क्षेत्र में जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, टोटल जो अभ्यर्थी हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, ये 74 हैं, जिसमें 69 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। यदि हम अभ्यर्थी की संख्या से देखें तो इंदौर में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी हैं 14 और खरगोन में 5 अभ्यर्थी हैं। मतदान का समय जैसा आप जानते हैं कि जैसे पहले था 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक है। और मतदान प्रारंभ होने के पहले जो मॉक पोल की कार्रवाई की जाती है प्रत्येक मतदान केंद्र पे पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में, वो नियमानुसार होगी। आज सभी मतदान दल रवाना हो रहे हैं। लगभग 80-90% मतदान दल रवाना हो गए हैं, अपने अपनी जगह पर पहुंचे हैं।